अच्छा कल कढ़ी चावल और वो दाल मखनी किसने खाई थी? Now saying ciao to our this guest house, Kim's guest house, and now we are heading towards airport for Jeju. सोल की जर्नी, सोल का टूर यहीं खत्म हुआ. और जेजू के लिए जो हमारी फ्लाइट है वो कहाँ के लिए, कहाँ से गौर, कौन से एयरपोर्ट से? जिम्पू. जिम्पू के एयरपोर्ट, जिम्पू ना, जिम्पू, जिम्पू एयरपोर्ट से. तो अब हम वहीं जा रहे हैं. लगेज ने बैंड बजा रखी है. ये बंदे ने टांगा है. और ये दो बैग मेरे पास हैं टांगे हुए. यहाँ से लेनी है हमें बस, फिर मेट्रो, उसके बाद पहुँचेंगे एयरपोर्ट. हम लोग जब भारत में ट्रैवल करते हैं ना, तब हम बहुत लाइट ट्रैवल करते हैं. साला इंडिया से बाहर आने के पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि इंडिया से बाहर आने के बाद ना तुम्हारा ही खाना आ जाता है. देखो तुम्हारी मम्मी है ना, 8 किलो खाना लेके घूम रही हो यार, हद हो गई है. अच्छा कल कढ़ी चावल और वो दाल मखनी किसने खाई थी? दोनों ने खाई थी. किसको स्वाद आया था? दोनों को आया था. फिर वो नहीं मिला क्या? क्योंकि तुम मुझे बाहर खाने नहीं दे रहे. और मैं कह रही हूँ मुझे बाहर खाना, मतलब तुम ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको दिखाऊंगा. मैं इसमें कितनी बार बोलूंगा तुझे, जो बाहर खाना है वो खा ले. तुम ना बेटा, नहीं मुझे 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 ना रियलाइज हुआ कि मुझे बाहर खा लेना चाहिए. मैं तब तक वेज नहीं मिल रहा है यहाँ पर जब तक कि मुझे मिल रहा है. जैसे ये खत्म हो जाएगा तुम टेंशन मत लो, मैं बाहर खाएगा और मैं अपने लिए ढूंढ लेगा. नहीं तो मैं तभी तो कह रही हूँ कि ये थोड़ा बचा के रखो, बीच बीच में खाते रहो. ले जाना, मीशो को खिलाएंगे. ये देखिए अब क्या स्टेशन से खुले हुए. ये स्टेशन नहीं है, ये जो आप ये इसके अंदर देख रहे हो ना, ये पाइप से, ये पोक का रेस्टोरेंट है. और यहाँ पे जैसे वो होता है ना कोयले सिगड़ी, तो हर टेबल पे वो सिगड़ी सी बनी हुई है और उसी पे आपको ये रॉ जो भी आप ऑर्डर करोगे पोक का ये दे देंगे. वहीं पे आप उसको भूनो सेको, जो भी सिगड़ी पे कोयले का जो धुआँ है वो दुकान में ना भर जाए और आपके सांसों में और आँख में ना भर जाए, तो इसलिए ये पाइप से लगा रखे हैं. उससे वो धुआँ ऊपर खींचता रहता है और आपको तभी के तभी आप अपना वो बारबेक्यू काइंड ऑफ कर सकते हो, टेबल बारबेक्यू. मैंने ना एक बात सोची, अगली बार से एक ही देश प्लान करा करेंगे यार. बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है और फिर ना मेरे को लगता है थक जाते हैं. दो देश प्लान करना ना. अच्छा और जो यूरोप घुमाया था तुमने 7-8? वो एक अलग एक्सपीरियंस था. मतलब इस बार ना क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही इसलिए ऐसा लग रहा है. अगली बार जब प्लानिंग करने बैठोगे ना, तुम अगली बार फिर 3 देश एक साथ इकट्ठे करोगे, मुझे पता है. खैर ये बात होती रहेगी. इनकी मेट्रो देखो, ये इतनी नई मेट्रो है. और दिस इज़ द साइकिल स्टैंड, अगर आप साइकिल से आते हैं तो यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी कर सकते हैं. अब हम जा रहे हैं जिम्पू एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ. और ये है, ये हम मेट्रो से उतरे और ये मेट्रो के अंदर अंदर से अब हम सीधा पहुँचेंगे एयरपोर्ट पर. सुंदर सा ये एयरपोर्ट, गिरते पड़ते सामान ढोते ढाते आ गए हैं जिम्पू एयरपोर्ट. चेक इन कर लिया, लेकिन जो लगेज टैग है वो 5-10 मिनट बाद मिलेगा. और वही हुआ जिसका डर था, लगेज है ज़्यादा. उसने देखा और बोला कि आपके ओवरवेट का चार्ज लगेगा, जो कि है 6,000 won. मदर गॉड डिड व्हाट ही इज गुड एट डूइंग इंटरनेशनली भी. पैरों में गिर गया मैडम, प्लीज़ 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 प्लीज़. तो किसी मैंने आधा किलो का वो निकाला ना हमारा पेपर बैग. आधा किलो के बंदा पेपर्स लेके घूम रहा है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स. तो आधा किलो वाला वो निकाला और फिर पैरों में पड़ गया, प्लीज़ जाने दो. तो उसने बोला ओके फॉर टुडे, इट इज़ ओके. अब वापस जब आएंगे ना जेजू से तो तब हमें अपना लगेज मैनेज करना पड़ेगा. लेकिन हाँ, जो खाना है थोड़ा सा, होपफुली जेजू में 3 दिन का हमारा स्टे है तो 3 दिन में खाना थोड़ा और कम हो जाएगा. फिर भी अब देखते हैं, अब जो लगेज टैग मिलेगा तो क्या सीन है. अभी वेट कर रहे हैं. फाइनली लगेज भी आ गया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया. टेंशन हो रही थी इस बैग की, एक्चुअली ये ना खाने से भरा हुआ बैग है, फूड आइटम्स. तो वी वर थिंकिंग कि इसको जाने देंगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही. और हाँ, रोक लिया था उनको, लगा इसमें कुकिंग है. उन्होंने निकाला मधुर, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, पता ही नहीं चल रहा था क्या है. ये बोल रहे सॉल्ट सॉल्ट, उनको समझ ही नहीं आ रहा था. नहीं वो बोल रहा था सॉल्ट, मुझे लगा वो बोल रहा है सोड. ऐसा कुछ मतलब कोई नाइफ वाइफ कुछ है क्या? अच्छा हाँ, मुझे लगा ये बोल रहा है सोड. मैंने कहा, फिर बाद में जब उसने पैकेट नीचे से निकलवाया तब बोला सॉल्ट. मैंने कहा ओ ये सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट. उसको लगा एयरपोर्ट बिल्कुल साफ सुथरा है,
यार यहाँ पे देखो वायरलेस चार्जर सब लगे हुए हैं, वाओ, चार्ज वायरलेसली, नाइस। 7:30 की ये फ़्लाइट, अच्छा हुआ टाइम से आ गए क्योंकि सिक्योरिटी पे बहुत लंबी लाइन थी। और यार ये ना मेरे को भी मतलब एक प्रॉब्लम, यार इंग्लिश में भी लिखना चाहिए हर जगह ना, अभी यहाँ पे क्या था है ना, कोरियन में लिखा हुआ था, सारा कोरियन में लिखा हुआ था, भाई आने से पहले ना गूगल लेंस का भी अच्छा इस्तेमाल करके आना, सीख के आना, क्योंकि गूगल लेंस का इस्तेमाल करे बिना ना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। टेक्निकली ट्रैवल जब आपको करना है ना कभी मतलब खुद से, तो टैक्स से भी होके आना पड़ेगा भाई, वरना मामला ख़राब है। अब हम करेंगे वेट अपनी फ्लाइट का। बोर्डिंग डन, प्लेन में आ गए, स्पेस काफ़ी है प्लेन के अंदर, सीट्स भी बहुत अच्छी हैं, कुशन वाली प्रॉपर सीट है। और ये देखिए अंदर पैरों का भी स्पेस अच्छा खासा है, अभी तो रिक्लाइन नहीं करी है मैंने सीट, बढ़िया प्लेन, डोमेस्टिक है तो ठंडू थी ऐसी। हाँ और डोमेस्टिक है और सस्ता है, तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब जेजू एयरलाइंस को बजट एयरलाइंस माना जाता है, बट इट इज़ गुड, मतलब ओवरऑल तो हमें तो अच्छी लगी। हमारा 1.5 किलो 2 किलो सामान भी एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर लिया, और सीट सिलेक्शन हमने फ्री में कर लिया था, हो गया ऐसी कुछ लाइन। वी आर ऑल सेट टू फ्लाई टू जेजू।전원이 꺼질 경우 통로와 선반의 유도 등이 여러분을 비상구까지 안내할 것입니다. 만약의 경우에 대비해 여러분의 좌석에서 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हेलो जेजू, वेलकम टू जेजू। तुमने बोला तो गर्मी होगी, बोलते ना फोन है ना। तो जेजू लैंडिंग हो गई दोस्तों, और अब पकड़नी है यहाँ से बस और जाना है अपने होटल शंग्रीला। यस, यहाँ से बस से जाएंगे मैडम, अब यहाँ मेट्रो नहीं चलती, यहाँ बस ही चलती है, तो यू हैव टू कैच द बस, और बस लेकर पहुँचते हैं होटल और फिर आपको दिखाते हैं कैसा रहता है जेजू का हमारा फर्स्ट इवनिंग एंड नाइट, क्योंकि अब तो 9 बज गए। मैं ज़रा देख लूँ, स्टडी कर लूँ प्लीज़। हम दो दीवाने, अभी बज रहा है रात के 9:30, सिटी की भीड़ से एकदम बाहर, यहाँ पे तो और साथ में होटल बुक किया है, होटल ढूंढ रहे हैं कौन सा है, आई थिंक ये सामने वाला है क्या शांगीला, ऐसे लिखा हुआ है यही है, लेकिन तो नाम भी ना इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, यही है शांग्रीला, तो वो ऐसे देखो ऐसे गेस करना पड़ा, वो बसेस बदल के आना यहाँ पे सफल हुआ, होटल शांग्रीला। सामान रख देते हैं यहाँ, ऐसा कुछ होटल है, मेरा बस चले तो मैं तो घूमने ही ना जाऊँ बाहर, एक दिन तो होटल में रेस्ट ही करूँ, संडे है देखते हैं क्या करते हैं।
रेस्ट करेंगे। सो वेरी इजी चेक इन ही वॉज आई थिंक वेटिंग मेरे लिए वेट कर रहा था मुझे लग रहा है क्योंकि कसम से पर्ची लेके खड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा हाँ लास्ट फ्लाइट होगी या तो ये जेजू की अमृत की तो फाइट में चले चलते हैं। कौन सा फ्लोर है? तुम तो कह रहे थे कि गर्मी होगी आईलैंड है ठंड है यहाँ पे 18 डिग्री। ये रहा पूल, इसमें नहाएंगे कल 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक आप पूल में नहा सकते हो। तुम पूल में नहाने आए हो जेजू में? ठीक है भाई ठीक है। 529-24 या तुम क्या टक्कर खाते हुए चल रहे हो? आई मैं फंस गई यार। So, here is your room, baby. अभी बना ले रूम का जो भी है। That's the room for next 3 days. अरे वाह। And here is the view of. Balcony खोलो तो। Nothing. बस इसी देखो। Balcony तो खोली नहीं है view of. अबे यार मच्छर आएंगे। हाँ तो जाली इतनी खुलती नहीं है। खुलती है ना जाली? कौन सी जाली बैलकनी के बिना खुलने वाली ना हो। कितनी ठंड है। ये ज़िपलाइन है ऊपर? हाँ वो नीचे लिखा तो है यार। कितने बढ़िया बढ़िया और शानदार ये रिजॉर्ट्स है ना। वाओ रिजॉर्ट ही है ना ये घर है। बंद करो भैया जाली वाली बहुत ठंड आ रही है। तो चलिए हम हो जाते हैं फ्रेश। आपसे मिलते हैं कल सुबह। क्या कहते हो गौर? हाँ। तो आशा करते हैं आपको आज का हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। अपनी जो जर्नी दिखाई वो पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ हम करते हैं आज का ब्लॉग खत्म। आप तब तक देख रहे हैं हमारे और ब्लॉग और अगले आने वाले जो ब्लॉग है वो होंगे जेजू से और बुसान से। एक्चुअली जेजू पूरा एक वोल्केनिक आइलैंड है तो उस आइलैंड का टूर हम आपको कराएंगे कल। बने रहिए तब तक। कल और परसों दो दिन है। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवेस्ट।